मेरे सभी युवा ट्रेनिंग अधिकारी, आपका संसद भवन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जिस सेवा के अंदर आप भविष्य में काम करने वाले हैं, वो इस देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और इसीलिए हमारी ट्रेनिंग जितनी मजबूत होगी, सशक्त होगी, ट्रेनिंग के अंदर जितने हमें अनुभव मिलेंगे, विचार मिलेंगे, उन अनुभव विचारों, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग का ज्ञान हमारे जीवन में एक दिशा तय करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा लोगों की जीवन की स्वतंत्रता, उनकी जीवन की रक्षा, उनके मानवाधिकार की रक्षा और उनकी गरिमा बनाने की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। किसी भी राज्य और देश का मैं कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बेहतर होगी, उतना ही शासन बेहतर होगा। इसलिए चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर उनका बेसिक आधार होता है और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए शासन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आप अपने दायित्व को निभाने जा रहे हैं। एक लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने के बाद हमारा पुलिस से बड़ा निकट का संबंध रहा है। क्योंकि अन्य विषयों के बारे में आपको सभी अधिकारियों ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने भी अवगत करा दिया है। हम इस लोकतंत्र की शासन पद्धति के अंदर जब संपूर्ण दुनिया शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र को मानती है और आजकल पूरे विश्व के अंदर हर देश ये प्रयास करता है कि मैं ये साबित करूं कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश मेरा है और इससे डेमोक्रेसी की महत्वता दुनिया के अंदर बहुत बढ़ गई है। इसलिए डेमोक्रेसी के इस मंदिर के अंदर, इस सर्वोच्च संस्था के अंदर आपका 2 दिवसीय प्रशिक्षण आपके जीवन का नया मार्ग प्रदर्शित करेगा। क्योंकि भारत के अंदर सबसे लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, हमारी शासन पद्धति के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं के मनुष्यों के कारण दुनिया के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र सशक्त भी है, मजबूत है। और ये लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमारी हर कार्य प्रणाली में, हमारे हर व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी परंपराओं पद्धतियों के अंदर, पुरातत्व रूप से भी गांव के अंदर
जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इतिहास के अंदर कितनी पुरानी पद्धति हमारी लोकतंत्र की रही है कि जहां गांव में शासन होता था, एक एक गांव का प्रतिनिधि वहां पर होता था, उस गांव के अंदर जो भी निर्णय होते थे, चाहे न्याय का निर्णय हो चाहे एजुकेशन का निर्णय हो, संपूर्ण गांव उनको मानता था। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा रहा है। और आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान के मूल में जनता हमने रखी, और इसीलिए दुनिया के अंदर कई देशों में आपने देखा होगा कि कभी शासन परिवर्तन होते देखे, मिलिट्री शासन को देखा है। भारत की लोकतंत्र प्रणाली इतनी मजबूत है कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा लोकतंत्र लगातार सशक्त होता गया, मजबूत होता गया है। और 1952 से लेकर अभी तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो मतदाता है, उन मतदाताओं का प्रतिशत बनना इस बात को प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र के प्रति और लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण दूर दराज आदि विशेष इलाकों के अंदर जिस तरीके से महिलाओं ने मतदान के प्रति रुचि दिखाई है, उससे हमारे सभी वर्गों के अंदर लोकतंत्र के प्रति और विश्वास बढ़ा है। और इसी संविधान के कारण हमारे यहाँ शासन पद्धतियों में लगातार जनता के जनादेश के अनुसार परिवर्तन होते गए, और सहज रूप से चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण ये दुनिया के अंदर है तो कहीं भारत के अंदर है। और इसीलिए जब लोकतंत्र के अंदर जनता को बीच में रखकर हमने संविधान बनाया तो उस जनता के बीच में रखकर ही आपको कार्य योजना बनानी हो, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा निकट का संवाद, चर्चा और अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, विश्वास सबसे ज्यादा पुलिस पर होना चाहिए। हम नए अधिकारी हैं, इस 75 साल के अमृत महोत्सव के अंदर हम यहां से नए संकल्प को लेकर जाएं, नए विचारों को लेकर जाएं, हमारी नई तकनीकी, नई इनोवेशन, संचार औद्योगिकी की नई पद्धतियों को लेकर जाएं, और राज्य और देश के अंदर शासन के अंदर जो पुलिस की छवि है उस छवि को परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी है, ये मानकर हमें अगर हम प्रयास करेंगे तो इस अमृत महोत्सव के अंदर नई दिशा देने का काम करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इस अमृत महोत्सव के माध्यम से आने वाले शताब्दी वर्ष के अंदर भारत कैसा हो, भारत सब क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से नई पद्धतियों, नए इनोवेशन के साथ किस तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। और उस सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि हम जब फील्ड पोस्टिंग के अंदर जाएं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमें संविधान के सब मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, हमारा जनता से, जनप्रतिनिधि से कैसा संवाद होना चाहिए, गांव से लेकर पंच से लेकर दिल्ली की संसद तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधि से अपना संवाद रहे, जनता से जितना संवाद पुलिस अधिकारी का रहेगा
उतना ही हम सूचनाओं के आधार पर हम कार्रवाई भी कर पाएंगे और लोगों को न्याय भी दिला पाएंगे। हमारी एक ही पंचलाइन होना चाहिए कि जिसने अपराध किया वह अपराधी बचे नहीं और कोई निर्दोष हमारे हाथ से अपराधी न बने। बस इस लाइन पर हम अगर करेंगे कि कोई अपराध ने जिसने अपराध किया है वो किसी भी तरीके से उसको सजा मिलना ही चाहिए और जो निर्दोष है जिसने जो अपराध नहीं किया है वह हमारी कहीं कार्रवाई के हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारी तफ्तीश के अंदर कहीं वह अपराधी झूठा न फंस जाए। ऐसे दुनिया ने आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि लोग 10-10 साल 15-15 साल जेल काटने के बाद भी न्यायालय उनको निर्दोष साबित कर देती, तो उसकी 15 साल जिंदगी की खराब हो गई। तो हमारी जो तफ्तीश है वो बहुत मैकेजम होनी चाहिए। अब तो नए इनोवेशन के नए साधन आ गए आपके पास। किसी समय तो सूचनाओं के आधार पर जो गांव में ढाणी में हमारी सूचना तंत्र होते थे उससे हम सोर्स जुटाते थे। अब समय परिवर्तन हो गया है, अब किसी को अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास सोर्सेस सबसे ज़्यादा हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का जितनी इंटेलिजेंसी जितनी बेहतरीन तरीके से हमारा सिस्टम सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर मजबूत रहेगा उतना ही हम अपराधियों के पहुंचने में हमें उसकी सहायता मिलेगी। और मुझे लगता है अब तो पुलिस अधिकारी हो या नीचे का अधिकारी हो वो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ता है तो उसमें 90% सूचनाएं उसके पास डेटा की, डेटा एनालिसिस की, मोबाइल की, टावर्स की, इसकी सूचना होती है। मुझे पता है कि कोटा में एक डकैती हुई और डकैती को पकड़ नहीं पाए थे, तो मैंने एक पुलिस अधिकारी से पूछा कि इसको कैसे पकड़ा। उन्होंने कहा इस टावर पर जितने भी टेलीफोन आए थे हमने उन टावर के आने वाले टेलीफोनों को और उस समय की घटना को एनालिस्टिक करते 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 हम अपराधी तक पहुंच गए। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। इसलिए आईटी सेक्टर के अंदर हमारी सबसे ज्यादा हमारी ट्रेनिंग भी होना चाहिए। आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जितने हम ट्रेंड होंगे, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं कि कई बार जब साइबर फ्रॉड कर देते हैं लोगों का पैसा निकाल लेते हो तो पुलिस के पास अभी भी मैकेजम नहीं है कि वो लोगों को पहुंच जाए। आप नए अधिकारी हैं, कोई भी अपराधी अपराध कर ले वह अपराधी तक पहुंचेंगे ही हम जिम्मेदारी के साथ, ये हमारा लक्ष्य होगा और यही हमारे नए अधिकारियों का लक्ष्य होगा। मुझे आशा है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जब आप आए हैं तो यहाँ की डिबेट देखेंगे, चर्चा देखेंगे, पुलिस के बारे में क्या क्या उनके सजेशन हैं, क्या क्या जनप्रतिनिधि सोचता है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय ज़्यादा है इसलिए राज्यों की आपको उस राज्य में जाएं तो उस राज्य के विधानसभा की कार्रवाइयों को देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो उन चर्चाओं को देखना चाहिए कि शासन और जनप्रतिनिधि जनता हमसे क्या अपेक्षा आकांक्षा उम्मीद रखती है, उन आशा आकांक्षा उम्मीदों से हम करें, क्योंकि एक अधिकारी पर बहुत निर्भर करता है कि वो पुलिस की छवि को परिवर्तन कर दे। कोविड के समय इसी पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा। पुलिस ने केवल लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं किया, पुलिस अधिकारी का हमेशा दायित्व होना चाहिए कि केवल कानून व्यवस्था ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
हमारे मन में मानवीय संवेदना होनी चाहिए और सामाजिक रूप से भी हम समाज के अंतिम व्यक्ति को जीवन बदलने में हमारी भूमिका होना चाहिए, इस लक्ष्य से भी काम करने की आवश्यकता है। जितनी अधिक आपने संवेदना होगी उतना ही बेहतरीन आपकी कार्य योजना बना पाएंगे। आप अपने नीचे के एक, क्योंकि आप भविष्य के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद वहां पर नेतृत्व आपकी जिम्मेदारी, आपके पूरे सिस्टम को आप बदल सकते हैं और पूरे सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी वहां के कप्तान की होती है। जैसा कप्तान होता है वैसी टीम वर्क काम करती है, ये पुलिस के अंदर हमेशा नजरिया रहता है। इसलिए कप्तान के रूप में हमारी छवि ईमानदार भी हो बेदाग भी हो, लेकिन ईमानदार और बेदाग के बाद उस सिस्टम को सुधारना, मानवीय संवेदना के साथ काम करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करना और उस इलाके के अंदर बिना राजनीतिक पक्षपात के, बिना राजनीतिक भेदभाव के हमें न्याय करना, जितना न्यायपूर्ण प्रिय अधिकारी होगा उतना ही अधिकारी लोकप्रिय होगा। और एक जगह जहां आप कप्तानी करके गए हैं, आपके बारे में जो छवि बनेगी, आप किसी भी दूसरे जिले के अंदर जाएगी वो छवि आपकी वहां से दूसरे जिले में लेकर जाएगी और शासन करने वाले वालों को पता रहेगा। और जब वो भी ध्यान रखेंगे कि अगर नॉन पॉलिटिकल पोस्टिंग करेंगे तो अच्छी छवि के अधिकारियों को हर शासन ठीक से ही पोस्टिंग देगा और एक जिले की छवि आपकी दूसरी जिले की छवि में जाएंगे। और आशा है मुझे हम सब जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा विश्वास पर खड़े उतरेंगे। जिस जिस राज्य में जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, हमारी शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के अंदर जो कानून व्यवस्था है, मेरे जिले की कानून व्यवस्था उस राज्य के अंदर सबसे न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हमारी कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, ये जो लक्ष्य और आत्मविश्वास होगा यही आपको जीवन के अंदर नई दिशा देगा। और व्यक्ति के जीवन में जब काम करते हैं और किसी को जिसके साथ अनजस्टिस होते हैं उसके साथ न्याय दिलाते हैं तो आपके मन में भी प्रसन्नता होती है। मैं कई बार राजनीति के अंदर आने वाले लोगों से कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति को सामाजिक व्यक्तित्व होना चाहिए और राजनीतिक व्यक्ति वही होता है जिसको दूसरे के दुख और पीड़ा को दुख करके या उसके आंख के आंसू पोंछने में जो ज्यादा सफलता से काम करता है उस राजनीतिक व्यक्ति को भी मन में खुशी मिलती है और समाज में उसकी प्रतिभा छवि बनती है, क्योंकि आपका भी उतना ही लोगों का भरोसा विश्वास है। मुझे आशा है आप इस दिशा के अंदर काम करेंगे। दो दिन तक आपको हमारी लाइब्रेरी, हमारी डिबेट, चर्चाएँ, संवाद, उसको आप देखेंगे क्या जनप्रतिनिधियों का विचार है, हमारे क्या क्या सुझाव होने चाहिए। आने वाले समय के अंदर जब आईपीसी के अंदर भी हम व्यापक परिवर्तन का सोच रहे हैं तो इंडियन पेनल कोड के बारे में हमारा क्या विचार है। हमारा केवल ये विचार नहीं होता कि हम केवल हमारे जिले का लॉ एंड ऑर्डर काम करें, हमारा देश और प्रदेश में क्या योगदान होना चाहिए। इससे शासन करने वाले लोगों को भी जिन जिन कानूनों के अंदर हमें लगता है कि ये कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं, इन कानूनों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नए कानून को लाने की आवश्यकता है, उसमें भी आपका सहयोग आवश्यक है। आप में से कई लोग के स्टूडेंट हैं, समय समय पर आप इसके लिए हमें संसद के अंदर भी आपके सुझावों को भेज सकते हैं, उन सुझावों के आधार पर आप जनप्रतिनिधि सुझाव दे सकते हैं ताकि जब संसद के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, तो आपके इनपुट भी आए
आप क्या सोचते हैं या आपके जनप्रतिनिधि को दोगे तो शासन व्यवस्था के अंदर उन विषयों को राज्य की विधान मंडलों में रखेंगे, केंद्र के अंदर संसद के अंदर रखेंगे। समय समय पर ये इनपुट भी हमें देना चाहिए। इसलिए कानून व्यवस्था के अंदर जो वर्तमान कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं और नए कानून बनने चाहिए उसके बारे में भी पुलिस अधिकारियों को विचार करना चाहिए। विशेष रूप से आप ट्रेनिंग में, आपने आईपीसी को पूरा पढ़ा है इसलिए आपका ज़्यादा अनुभव है और आप नए विचारों से सोचते हैं। आपके नए विचारों का लोकतंत्र के सभी मंदिरों को अच्छा सहयोग मिले ये अपेक्षा मेरी है। आप यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का म्यूजियम, यहाँ की कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई अभी कोविड के कारण नहीं देख पाए हैं लेकिन भविष्य के अंदर आपको यहाँ की कार्रवाई भी दिखाएंगे, यहाँ की लोकतंत्र की यात्राएं, यहाँ की संविधान सभा की डिबेट, हम एक एक कॉपी संविधान सभा की डिबेट की भी आपको देंगे कि कैसे कैसे उस समय क्या सोचते थे, आवश्यकता के अनुसार क्या क्या व्यापक परिवर्तन हुए, आज क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन सारे विषयों को लेकर आप जाएंगे, मुझे आशा है आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी और कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे। आज़ादी के 75 साल में हमारा दायित्व और कर्तव्य ही सबसे बड़ा है। मेरी ही जिम्मेदारी इस देश के अंदर परिवर्तन करने की, मुझे ही ये दायित्व निभाना है। इस लक्ष्य के साथ जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।